मैंने ये वाले कंपोनेंट का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें से ले लिया या सॉरी ट्यूब में, और मैंने बड़े बीकर में इसका एक सोल्यूशन बना दिया। ये बायोमास सोल्यूशन, इसमें ए भी है, मान लीजिए इसमें वाटर भी है और इसमें अल्कोहल भी है। जब ये प्योर फॉर्म ऑफ ए था तो इसमें सिर्फ एक ही तरह की इंटरेक्शन थी, जब ये ए प्योर फॉर्म ऑफ बी था सिर्फ इसमें एक ही इंटरेक्शन एक्जिस्ट कर रही थी, दैट वाज बी बी ए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इसमें डाल दिया, मैंने सोल्यूशन बना दिया, एट गई न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डेवलप, ए न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन गेट्स डेवलप्ड इन एडिशन टू ए ए एंड इन एडिशन टू बी बी, ए न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, इन दिस वेरी केस बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल, बिटवीन वाटर दिस टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन गेट्स डेवलप्ड। लेकिन जैसे ही मैंने ए और बी को आपस में मिला के हमारा सोल्यूशन बना दिया, ये सोल्यूशन में इन एडिशन टू ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, ए न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन गेट्स डेवलप्ड बिटवीन ए एंड बी। इन शॉर्ट वी कैन से इसमें कितने कंपोनेंट है, वही क्या कर सकते हम, तो इसे सर नहीं पता, जो हमारा रॉल्ट्स लॉ है जो हमने पढ़ा, ये रॉल्ट्स लॉ इट डील्स विद द पार्शियल प्रेशर पी, ये शो मानन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट लाइक ए और बी, ये शो आसन बराबर पी ए नॉट इनटू एक्स ए। सिमिलरली बी के लिए ये को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी शो आसन बराबर पी बी नॉट एक्स बी। काचा समझो, काचा समझो, ये शो पार्शियल प्रेशर, ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। गोबरा अगर मैं ये में रिलेशनशिप मान लीजिए, मैंने यहां पे ये रिलेशन लॉज में रॉल्ट्स लॉ एंड आई एम सपोज पार्शियल प्रेशर वैल्यू आ में 4 एटम्स दिए, ये दफ लोग में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अफ लोग में रॉल्ट्स लॉ या सपोज 5 एटम्स दिए। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली यहां पे देखा तो पूछो क्वेश्चन ए सुन, ए सुन प्रैक्टिकली या सॉल्यूशन में सुन क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या सॉल्यूशन में सुन प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पूछो क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बहुत अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर ये प्रैक्टिकली आओ ये था ये क्या था, अगर पी ए द्रा प्रैक्टिकली ये द्रा बराबर चोर तो पी बी द्रा बराबर पांच, देन वी कैन से दिस सॉल्यूशन, वी कैन से दिस सॉल्यूशन अप्लाइज रॉल्ट्स लॉ, कोरोना अप्लाई अप्लाई दसों मतलब क्या हो, ये जन रॉल्ट्स लॉ में पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर वैल्यू द्राया सो हसा छु प्रैक्टिकली पज बड हेत हस आस। अगर ये मे वोन चोर गच्छा आसन अगर ये मे विप ऑफ रॉल्ट्स लॉ पांच गसन ये कौता तेल हा बहुत वन मतलब दिस सॉल्यूशन अप्लाइज रॉल्ट्स दिस सॉल्यूशन अप्लाइज या लिखा बहुत तेल वन यह सॉल्यूशन युत सॉल्यूशन ये रॉल्ट्स लॉ प्रति कंपोनेंट पे ए एस पे तो अगर वे त्रे कंपोनेंट आ त्रेनवि पे अगर चोर आतुन कंपोनेंटन कम सोल्यूशन सतुन कंपोनेंटन रॉल्ट्स लॉ फॉलो या वन एम कोर ओ बी एम सी वन आइडियल आइडियल या हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज फॉलोज रॉल्ट्स लॉ फॉलोज रॉल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है वाई टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पर करो तो ये रॉल्ट्स लॉ फॉलो, यानी कि जो रॉल्ट्स लॉ से वैल्यू आ गया था पार्शियल प्रेशर का वो प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। अच्छा समझो इसको आप बोलोगे इस आखिर आइडिया अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या गो नॉन आइडियल सॉल्यूशन गो मान लीजिए वैल्यू पार्शियल ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पांच होना चाहिए, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तीन ही निकला, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी
ये दो ही निकला आर दे इक्वल द वैल्यूज गिवन बाय रॉल्स लॉ एंड द वैल्यूज प्रैक्टिकली ऑब्टेन आर दे सेम आर डिफरेंट डज दैट मीन दिस सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ नो सर Does that mean if this solution obeys Rolle's law, or does that mean it does not obey Rolle's law? It does not. This type of solution in which each component, zorushin each component kya? Ya sari ya any component. Zorushin kya? Ye kitab se nahi milega. Each component, pratka component ya doyamas a component. Can Rolle's law follow? This will be that type of solution in which each component or any component does not obey or follow Rolle's law. Kacha samajhma? This will be called as ideal. Non-ideal solution. This will be called as non-ideal solution. So, हमारे पास दो तरह के solution हैं. एक तो ideal है, दूसरा based upon the this definition is based upon the Rolle's law. यानी कि तीन सॉल्यूशन यमन पेट रॉल्स ला अप्लाई गसि ते तीन सॉल्यूशन यमन पेट न रॉल्स ला अप्लाई गसि ते मन वन ओस आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का समझ में लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे चाहे ए में ए के मॉलिक्यूल है बी में बी के मॉलिक्यूल है का समझ में अगर तू मॉलिक्यूलर लेवल पे मान आइडियल सॉल्यूशन कैसे शो आइडियल तो ये का है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे शो नॉन आइडियल ये कारा है असली जो सॉइल डेफिनेशन मेन डेफिनेशन इज द मॉलिक्यूलर लेवल डेफिनेशन कच्चा समझो ये आपकी किताब है लिखा थ्री होना सर बकरा में दसवीं सो समझ में लिखा है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ डेफिनेशन मान को ये को वो शुरू क्या वो शुरू दे क्या ये गई अब डिपेंडिंग अपॉन द रॉल अगर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो बराबर सिमिलरली अगर डेल्टा एच मिक्सिंग
जीरो बराबर सोलूशन क्या 99% सोलूशन तम डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग भी ये भी जीरो नहीं होता ये कंडीशन आनो चुको नॉन आइडियल सोलूशन या वन बहुत चुको रियल सोलूशन प्रैक्टिकली यही सोलूशन ज्यादा आई मिस्ट करते बोल आइडियल सोलूशन दैट टाइप ऑफ सोलूशन इन विच डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स बिकम्स जीरो That is, there is no change in volume when different components are mixed together to form a solution. And there is no change in heat. And there is no change in enthalpy. That is, neither heat is evolved nor heat is absorbed when different components are mixed together to form a solution. It is called as ideal. And that solution in which delta V mixing as well as delta H mixing is not equal to zero. इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इधर हीट इज इवॉल्व और हीट इज या व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा या तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा अगर तुम 5 एमएल हिमसिंग नीव 5 नीव तो यू एक्सपेक्ट कि अटमोस्ट गेसन 10 आसे लेकिन इसमें 10 नहीं मिलेंगे आपको या मिलेंगे तो 9.5 आई या मिलेंगे तो 10 पॉइंट्स या तो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो ये कोई एक्सपेक्ट है टेंपरेचर वो कैसे नहीं चाहिए लेकिन जब आप देखोगे यहां का सीट नेवर ये ताही भी का यहां का सीट अंदर ये बस को का तो समझ में दैट मींस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच डेल्टा वी मिक्सिंग एज वेल एज डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज व्हेन ए सॉल्यूशन इज फॉर्मड देयर आर चेंज इन वॉल्यूम एंड देयर आर चेंज इन एंथैल्पी व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन आर यू गेटिंग मी लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो यह 99.9 के समझ गई क्या इसको आप मॉलिक्यूलर लेवल पे समझो ये भी तो ये समझ ही तो ये समझ मालिक कही क्या देखो मैं आपको ठेर ना करती हूँ ये मिस कंफ्यूजन है सो मेनी पर उसको बोला ये ली ए तो ए वास अथमस कॉस इंटरेक्शन है ए और ये मिस साथ ही बी तो बी वास अथमस कॉस इंटरेक्शन है आर यू गेटिंग ये तो था ए एस तो ए एस दरमियान इंटरेक्शन ये तो क्या था मान लीजिए जब मैंने इनको मिक्स किया आपस में ये मैं मिक्स कर एच कॉस इंटरेक्शन क्या हो गोबरा यूता ए एस तो बी एस दरमियान इंटरेक्शन समझ अगर मे बी एस तो बी एस दरमियान इंटरेक्शन वे ए तो बी वार समझ पहले ए और ए के बीच की इंटरेक्शन फिर बी और लेकिन मैंने थर्ड टाइप बनाना है मैंने क्या बनाना है ए और बी इंटरेक्शन इसके लिए मैंने इसको तोड़ना पड़ेगा ये कैसा फोटो ये ए तो ए फुट बी तो बी ये ब्रेक हो गया इसके बाद अब ए और बी की न्यू इंटरेक्शन डेवलप हो गई यम गई ओल्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन यम गई ना न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर यू गेटिंग सर समझ आ रहा है सर दीस आर ओल्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस व्हिच वर एग्जिस्टिंग इन ए एंड बी डिफरेंट कंपोनेंट्स बट व्हेन ए एंड बी इज मिक्स्ड टुगेदर ए न्यू टाइप ऑफ इन एडिशन टू दीस टू इंटरेक्शंस ए न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज ए एंड बी इज अगर ये 5 किलो जूल लाइक फ्रामस मान लीजिए ये 5 किलो जूल फ्रामस 5 किलो जूल मान लीजिए ये 4 किलो जूल फ्रामस या इसको भी 5 किलो जूल लगे तोड़ने में मतलब ये से नव इंटरेक्शन डेवलप हो गई एज गेस नहीं सॉरी हां एज मैंने ना जने ए तो ए ये इतने गेस 5 किलो जूल में नेवर में कैसे नेवर वो योर कोसा पे नहीं नेवर कोसा राइट ये लोअर जो 5 किलो जूल हीट वापस कर करो ये नदर ओनस एडिया एब्जॉर्ब हीट ने के इवाल नदर एब्जॉर्ब ही किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल लेकिन प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल तला मे वन तो दोई वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की इंटरेक्शन तला गोबरा वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल के नॉन इंटरेक्शन ऐसा H2O और वाटर दरमियान H2O और ROH दरमियान Is it possible? दोन different solutions जो composition बदल बदल। समझे ये का ये switch करा
वाटर और वाटर के बीच का हाइड्रोजन बांड है, फिर जब इनको मिक्स करते हैं तो वाटर और अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बांड, तो ये ऐसा सिक्रमित हुई नो सर ऐसा सिक्रमित नो सर ये तो पाने शो वन खुद ही बोलते हो ये न सुन पास हो तेल छा पास हो आईडी ऑफ सॉल्यूशन ब्रांड नो सर व्हाई दे बिकॉज़ सर यहां को हीट आ भाव है समझ हीट हिट ना से जीरो ऐसे ही हैज वॉल्यूम बोल गाइस कुछ वॉल्यूम बोल गाइस वॉल्यूम से बनाना मैं तो 200 पार्टिकल्स वॉल्यूम शीट ये मेरा कंटेनर है इसमें पार्टिकल है गोबरा ये चाहिए पार्टिकल दूर दूर गसन ना गोबरा जितना ज्यादा ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा ये वॉल्यूम लेते जाएंगे और उतना ही ज्यादा इसका वॉल्यूम भी होगा जितना ये नजदीक पार्टिकल आएंगे ये मई पार्टिकल आना को नजदीक वॉल्यूम क्या है दोबारा पूछो ये मैं तो ये वो ए पार्टिकल ये वो ए ए और ए के बीच की इंटरेक्शन ए और ए के बीच की इंटरेक्शन वहीं तो उसमें मार्क्स बी चलो अगर मैं ए तो बी हुआ पता उस ए तो बी अगर ए तो बी के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा हो मान लीजिए सपोज ए और ए के बीच की इंटरेक्शन जो थी इससे ज्यादा इंटरेक्शन ए और बी के बीच में ये तो इंटरेक्शन एस तो एस बस तेम खोद ज्यादा से हुई एस तो बी एस पार्टिकल आया मैं नजदीक ही नहीं दूर इंटरेक्शन जो है ये कमजोर होगी यदि कमजोर है ए तो बी क्या हो गई ये तो नजदीक ए तो ए होस एम खोद को दूर ही पहा ए तो बी ये जो दूर हो अगर ए और बी के बीच की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी ए और ए के बीच की और बी हो गई अगर नई इंटरेक्शन जो डेवलप हो गई बिटवीन ए एंड इफ दिस न्यू इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड इंटरेक्शन ए ए एंड बी बी देन डेल्टा वी विल इज नेगेटिव वॉल्यूम कम होगा लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी इट इज लेस देन ए ए एंड बी बी दैट इज ओल्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन देन देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम Similarly, there will be change in the enthalpy. That is, the heat will be evolved or heat will be. There will be an element of definition. बने हैं molecular definition. ये वाले concept से ही मैं molecular level की definition निकालूंगा. उस कारण. गैर अंदर की चंद समझौतों में और मुझे किए हैं. बगैर एक interaction या अच्छी कारण no definition. इसको molecular level की definition बोलेंगे. भगवान गुरु. Ideal solution is that type of solution. Ideal solution is that type of solution. In which इंटरेक्शन यहां लिखा न्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओल्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज बिटवीन ए ए एंड बी गोबरा यस नो इंटरेक्शन बने बिटवीन ए एंड बी अगर सब बराबर हो तो ये था एस टू एस एस बी एस टू बी एस then this will be called as ideal in this very case there will be no change in volume and there will be no change in enthalpy seedhi si baat hai jo aapko abhi tak samajh aa gaya on the other hand agar maine define karna hoga non ideal solution agar main non ideal solution as main define karu you can try nazar gobar ye banu na tel be that type of solution gobar su solution in which इंटरेक्शन यहां लिया इन विच न्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ओल्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज बिटवीन ए एंड बी एंड जो ये पुरानी इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ए के बीच की थी और बी के बीच की थी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दैट इज ए बी अगर ये डिफरेंट हो गया तो ना है अब खुद ही बोलो पॉसिबिलिटी शायद हिमसंस कैन पॉसिबिलिटी शायद
अब नॉन आइडियल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या आइडियल की? नॉन आइडियल। जब नॉन आइडियल वर्केबल है ये यश पॉसिबिलिटी, इसको बोलेंगे रियल सॉल्यूशन। सो यहां शुड रियल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन शुड रियल सॉल्यूशन, बिकॉज प्रैक्टिकली ये चीज होती है, प्रैक्टिकली ये चीज होता है। प्रैक्टिकली जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नई इंटरेक्शन जो पैदा होती है वो कभी भी पुरानी इंटरेक्शन के बराबर नहीं होती। उसमें कभी भी हीट, कभी भी एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होगी, कभी भी वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं होगा। देयर विल बी ऑलवेज चेंज इन वॉल्यूम एज वेल एज चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन कभी कभी सोल्यूशन आइडियल भी होते हैं, यानी कि यहां यम चीज ओल्ड गचन ए बी इंटरेक्शन नो इंटरेक्शन एग्जैक्टली बराबर प्रेज इंटरेक्शन का समझ में। सो ऐसी इमेजिनरी, इसीलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं। गोरा यम चीज एग्जिस्ट का समझ गया, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। हां ड्राइंग शीम एग्जिस्ट गस यम गस टेली एग्जिस्ट उशु का गस एग्जिस्ट यल्ब ए यम वारिया ज्यादा, ए यम बु वारिया ज्यादा इकी इशू सॉल्यूशन। इसमें मैंने ए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ली हुई है और बी की क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली हुई है। दो कंपोनेंट में जिनमें आह वारिया ज्यादा, बी दो कंपोनेंट में वारिया, यानी कि मैंने इन अदर वर्ड सॉल्यूशन डाइल्यूट। मान लीजिए मैंने आप 99.9% वाटर मैंने सॉल्यूशन में 99.9% ले लिया, फिर मैंने इसमें नमक जो ना के बराबर डाला, बहुत कम डाला ये मैं नमक, इसमें मैंने इसमें नमक ना के बराबर डाला। अखमोनशिप चांसेस, अखमोनशिप चांसेस नो इंटरेक्शन, न्यू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बने कि बने काम की बने जा ये तुम कम ही बने तुम इफेक्ट क्या है तकरीबन नेगलिजिबल। इन दैट वेरी केस वी कैन से दैट सॉल्यूशंस बिहेव आइडियल, मगर सॉल्यूशन इसके लिए डाइल्यूट होना चाहिए। कैसे समझो सर? आर यू गेटिंग सर? आवाज समझ आइडियल क्या होता है? नॉन आइडियल सर? आर यू गेटिंग सर? आइडियल क्या होता है? नॉन आइडियल। कैसे समझो सर? कैसा होता है? आवाज समझ सर?